और आप देख रहे हैं पल्लिया चैनल। मैं बता दूं, देश का महापर्व का सातवां चरण और आखिरी चरण का मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश के 13 सीटों पर मिला के पूरे भारत में 87 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, जारी है। और अभी तक बता दें कि पूरे मिर्ज़ापुर में 15% वोट पड़ चुका है। मैं अभी ग्राम सभा नवा में आया हूँ, जो मझुआ विधानसभा पड़ता है, और यहाँ पे वोट लगातार मेरे स्कूल पीछे देख रहे हैं लगातार चल रहा है। यहाँ प्रशासन बहुत से मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रही है। यहाँ पर आशा भी आई है, जो पब्लिक के लिए यहाँ ओआरएस घोल लाई हैं, जो यहाँ पर पानी की व्यवस्था किया गया है, जो किसी भी तरह की दिक्कत ना आए जो भी वोट देने वाले हैं। वैसे भी आज मौसम बहुत ही अच्छा है, फिर भी यहाँ पर टेंट और पानी की व्यवस्था किया, मेडिकल की व्यवस्था की गई है। लोग बड़े शांति संग से यहाँ पर सातवें चरण अपने मत का अधिकार अपना कर रहे हैं और सभी लोग वोट दे रहे हैं। और अभी भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है और सरकार भी बहुत मुस्तैद है। यहाँ सातवां चरण चुनाव की ग्राम सभा नवा है। चैनल, मैं बता दूं कि हमारी जो कार्रवाई है, मिर्ज़ापुर शहर का ग्राम सभा नवा में गए थे और सिवरा गांव में आए हैं। बता दें कि विश्व का जो ये सातवां चरण का आखिरी चरण चल रहा है मतदान का, पूरे उत्तर प्रदेश में 13 सांसद सीटों पर और पूरे भारत में मिलाकर 27 सीटों पर मतदान जारी है। बता दूं कि यहाँ पर पुलिस व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था बहुत ही चुस्त दुरुस्त है और कोई चीज़ दुर्घटना भी संभावना कुछ नहीं है। यहाँ पर BLO की सहायता से बहुत शांति ढंग से, बहुत ही अच्छे तरह से सुचारू रूप से काम चल रहा है और वोट अपना पीछे देख रहे हैं, शांति से चल रहा है। महिलाओं का कतार लगा रखा है और पुरुषों का अलग कतार लगा रखा है। और अभी हम बात करेंगे, यहाँ BLO हैं, क्या नाम है भैया? दिनेश चंद सर। अभी वोट तो बहुत अच्छा से पड़ रहा है, शांति से। कितना परसेंट वोट 10 सीटों पड़ चुका है? 15%। अभी क्या समझना क्या, और बढ़ेगी? तो मौसम ही बहुत अच्छा है। जी पड़ेगा जी। जैसा कि बता दें कि जिले में कल बहुत दुखद घटना हुई थी, कुल होमगार्ड और पीठा शिमला 17 लोगों की बहुत ही दुखद घटना हुई थी, हीट वेव से मृत्यु हो गई थी। उसको देखते हुए यहाँ पर तंबू वगैरह सारे हर जगह पर, हर बूथ पर पानी की व्यवस्था और ग्लूकोज की व्यवस्था की गई है, मेडिकल की व्यवस्था की गई है। यहाँ बहुत सारे वोटर हैं, यहाँ आप इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? GD मिश्रा। ये बताइए कि अभी तो आज मौसम ठीक है, तो अभी मौसम में वोट चल रहा है, शांति से चल रहा है, क्या कहें, व्यवस्था कैसी लगी अभी? पानी व्यवस्था बहुत अच्छी है, पानी व्यवस्था सारे, पानी व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बढ़िया है जी। जैसे बता दें कि जैसे DM साहब ने और आदेश के भी हर बूथ पे सभी कड़ी व्यवस्था की गई है, सभी मुस्तैद है यहाँ पर और बहुत अच्छे सुचारू रूप से ये महापर्व चल रहा है। मैं अजय कुमार पांडे, पहले चैनल मिर्ज़ापुर से। नमस्कार, आप देखने पर भी चैनल। मैं बता दूं, हम लोग सुबह से कार्रवाई हमारी चल रही है और जो सातवां चरण का मतदान है, महापर्व को कवरेज कर रहे हैं हम लोग। पहले गांव में गए थे, अभी मिर्ज़ापुर शहर में हैं। बता दें कि आज 1 बजे तक मझुआ विधानसभा में 39% वोट पड़ चुका है और मिर्ज़ापुर सिटी में 38% वोट पड़ चुका है, 1 बजे तक की बात बता रहा हूँ। और उसके बाद सबसे ज़्यादा वोट चुनार में पड़ा है 45%, उसके बाद शहर में भी, मझुआ में भी और मड़िहान में भी पड़ा है 43%। कुल मिला के दोपहर 1 बजे तक 41.5 मतलब 42% तक वोट पड़ चुका है। अब वोट अभी कंटिन्यू चल रहा है, ये सातवां चरण बता दें, आखिरी चरण चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में फिर से याद दिला देते हैं कि 13 सीटों के अलावा पूरे भारत में 87 सीटों पर वोट चल रहा है। बता दें, यहाँ पर लोग बहुत ही सुचारू से जा रहे हैं और सब लोग घर से निकल रहे हैं, वोट का महत्व देखने को मिल रहा है, लग रहा है कि महापर्व है। पुलिस की व्यवस्था भी बहुत तंदुरुस्त है, हर बूथ पर पानी की व्यवस्था की गई है, मेडिकल की व्यवस्था की गई है। गाँव क्षेत्र में जहाँ पर वहाँ टेंट की व्यवस्था की गई, हालाँकि आज मौसम कल से बहुत ही सही है, फिर भी व्यवस्था की गई, क्योंकि मौसम कब बदल जाए कोई ठीक नहीं है। सारी पानी व्यवस्था और जहाँ गांव भी क्षेत्र में है वहाँ पर आशा लोग ORS लेकर आए, पुलिस विभाग से भी, उनके विभाग से भी ORS और ग्लूकोज का भी व्यवस्था की गई है बहुत अच्छे तरह से। अभी तक कोई कहीं भी ऐसी असंतुष्टि क्या स्वाधीन घटनाएं नहीं घटी हैं और सभी बड़े बुजुर्ग से यहाँ वोट दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे राजस्व भी आएँ और हम इनसे बात करेंगे। आज हमारे यहाँ भीड़ होती है लेकिन लोग वोट देने गए, शाम को यहाँ फिर भीड़ होगी। राजस्व भी अभी तय, आपने वोट दिया? हाँ, अभी तो गए थे, पर्ची नहीं मिला वहाँ पे। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार? बहुत शांति से वोट बीत जा रहा है। हाँ, शांति से बीत रहा है एकदम। अच्छा,
आप देख रहे हैं जो मौसम था कल, आज तो कुछ ठीक है, कल से लेकर आज तक सारी व्यवस्था, आपको क्या देखने को मिला वहाँ? टेंट पानी की व्यवस्था है कि नहीं? पानी वानी का व्यवस्था तो नहीं दिखा, ना पंखा की व्यवस्था दिखा, कुछ नहीं। अब ऐसे गर्मी में ओढ़ दिया जा रहा है। बोल दो। चलिए, बता रहे हैं कि इनके बूथ पे व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम जहाँ गए थे दो चार जगह पानी व्यवस्था थी। गांव में भी देखो वहाँ टेंट लगा था, बट शहर में बता रहे हैं कि अभी कोई व्यवस्था नहीं है। गर्मी भी बहुत है, उमस वाली गर्मी बहुत ज़्यादा है, और ऐसे ही बोर्ड चलता रहेगा। मैं पल्लिया चैनल से अजय कुमार पांडे, मिर्ज़ापुर।